पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का खंडवा का दौरा, दादाजी धाम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया। कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगते हुए भी नजर आए, तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा का दौरा किया, इस दरमियान पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। दादाजी धाम मंदिर पहुंचे, जहां पर विशेष तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की। तो लगातार रैलियां की जा रही है और कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। भोपाल के तालीम समाज ने बीजेपी की सदस्यता ली है। सभी ने बीजेपी महापौर मुख्य चुनाव कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहे और तालीम समाज के सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि तालीम समाज बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय और पार्टी पार्षद प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। भोपाल का संपूर्ण तमिल समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस बात का संकल्प लिया है कि हम सब 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के सामने का बटन दबाएंगे और महापौर के रूप में मालती राय जी को और विभिन्न वार्डों में भी जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वहां सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएंगे। आज तमिल समाज के सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।